हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी जो आज की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इससे पहले क्या चीज़ कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे EVS का चैप्टर नंबर 5, कम लेट्स प्ले गेम्स। इसमें मैंने बताया था कि जो राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी बताया था कि कौन कौन से जो खेल हैं वो बाहर खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल घर के अंदर खेले जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 36, ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले योग की बात कर रहे थे ना कि चलो योग के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो देखो यहाँ पर सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार कितने चरणों में पूरा होता है, 12 चरणों में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको, सी दिस पिक्चर्स, प्रैक्टिस सम आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर्स एस। अर्थात इसका मतलब है इन चित्रों को देखकर कुछ योगासनों के बारे में शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास करें, ठीक है। अर्थात शिक्षकों की सहायता से आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए जो योग है उसका अभ्यास करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको। अब कौन कौन से योग, ठीक है, तड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार, ठीक है। और जो ये सूर्य नमस्कार है ये बहुत से आसनों का समूह है, बताया ना मैंने आपको। देखो पहले ये, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करते 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 इसके पूरे 12 चरण है। और 12 चरण करने के बाद में हमारा ये सूर्य नमस्कार जो है वो पूरा संपन्न होता है, ठीक है। फिर जो ये 4 पॉइंट है उसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं, पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसका मतलब ये है कि जो पतंजलि है, पतंजलि ऋषि अष्टांग योग में, ठीक है, किस किस का समावेश है, जो पतंजलि ऋषि अष्टांग योग जो है उसमें क्या क्या सम्मिलित है या क्या क्या समावेश है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो मेडिटेशन है अर्थात ध्यान केंद्रित करना, जो ध्यान है वो सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, काफ़ी आवश्यक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस योग से विद्यार्थियों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास अर्थात ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग, और योग करने से हमारे अंदर जीवन जीने की जो कला है वो विकसित होती है। किसकी कला, जीवन जीने की जो कला है उसका विकास होता है। इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। इसका मतलब ये है कि योग करने से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, ठीक है। योग करेंगे तो हमारी कौन सी पॉजिटिव जो एनर्जी है, सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसका क्या होगा, विकास होगा। योगा इज आल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है
कि योग जो है वो हमारे फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, योग करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अब आ जाओ पीछे, थिंक एंड टेल पेज नंबर 37 ऊपरी ऊपर। हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग योगासन ड्यूरिंग द प्रेयर असेंबली? इसका मतलब यह है कि प्रार्थना सभा में जब आप योग करते हो तो आप क्या फील करते हो, कैसा महसूस करते हो आप, वो आपको चर्चा करनी है केवल, है ना। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट योगा एजुकेशन डिस्कस इन द क्लास। यदि आपको योग शिक्षा के बारे में कोई भी अनुभव है तो आप अपने क्लास के अंदर जो विद्यार्थी जो बच्चे हैं उनसे क्या करनी है, चर्चा करनी है इस बारे में। ठीक है, फिर आता है व्हाई शुड वी डू योगा, कि हमें योगा क्यों करना चाहिए। देखो लिखा मैंने व्हाई शुड वी डू योगा, योगा कीप्स आवर बॉडी इन शेप एंड मेक्स इट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है कि जब हम योग करेंगे तो योग करने से हमारा जो बॉडी का जो ढांचा है वो कैसा होगा, शेप में रहेगा। ठीक है, अर्थात हमारी तौल नहीं बढ़ेगी, हम मोटे नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी किस में रहेगी, शेप में रहेगी। इट मेक्स हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, और ये हमें क्या बनाएगा, स्वस्थ और सुंदर बनाता है। योगा एजुकेशन इज हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और ये जो योग शिक्षा है वो हमारी फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हो गया, बौद्धिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक के विकास में सहायक होता है। फिर इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक के अंदर करना है। फिर आ जाओ नीचे, आपको पैराग्राफ दे रखा है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हैड सेड, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये कि स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि सर्वप्रथम हमें नवयुवक जो है उनको क्या बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, बलवान बनाना है। योगा एंड गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल अलोंग विथ प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट। इसका मतलब यह है कि योग और खेल हमें मनोरंजन तो देता ही है, अर्थात इससे हमें मनोरंजन तो मिलता ही है। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारी जो शरीर है वो शक्तिशाली बनता है, स्वस्थ बनता है और साथ ही साथ में सुंदर भी बनता है। नेक्स्ट, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैक ऑफ पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड योगा डे ऑन 21 June 2015 बाई डूइंग आसन्स ऑफ योगा। दिस डेज मैनी फॉरनर्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू लर्न योगा। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून
2015 को अनेकों देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके अर्थात योग का आसन करके योग दिवस को सफल बनाया है। ठीक है, कब से? 21 जून 2015 को। तो विभिन्न जो देश हैं वहाँ के लाखों लोग आए और उन्होंने क्या किया, इस योग दिवस को क्या बनाया, सफल बनाया। कब बनाया? 21 जून 2015 को। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 21 जून एज द इंटरनेशनल योगा डे। इसका मतलब यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा 21 जून को क्या किया गया, योग दिवस माना गया। ठीक है, कि 21 जून जो है वो योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी लोग इस दिन क्या करेंगे, योग करेंगे और अपने दैनिक जो जीवन है उसमें भी क्या करेंगे, योग करेंगे, ताकि उनका जो शरीर है अर्थात जो उनका स्वास्थ्य है, ठीक है, वो क्या हो, बेहतर हो, अर्थात सभी व्यक्ति कैसे रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ में क्या हो, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो विकास जो डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ में हो। फिर नेक्स्ट थिंक एंड टेल पे आ जाऊं, नीचे आगे। ठीक है, विच गेम डू यू प्ले, इसका मतलब कि आप कौन सा खेल खेलते हो। फिर इसके बाद में व्हाई शुड वी प्ले गेम्स, देखो लिखा मैंने यहां पर व्हाई शुड वी प्ले गेम्स। गेम्स मेक अस ब्यूटीफुल एंड हेल्दी, इसका मतलब क्या है कि खेल हमें सुंदर और स्वस्थ बनाते हैं। दे हेल्प इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसका मतलब यह है कि खेल से हमारा शारीरिक और जो मानसिक जो विकास है वो होता है और साथ ही साथ में खेल हमें अनुशासन प्रिय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनुशासन प्रिय बनाते हैं। तो आप लोगों को ये और ये किसमें करना है, होम वर्क में, और किसमें करना है, आपकी नोट बुक में करना है। ठीक है, तो पहले के 4 और अभी के 2, तो अभी तक टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 6। इसी के बाद में टेल एंड थिंक में क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील वॉचिंग गेम्स, कि जब आप खेल को देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है, सबको अच्छा लगता है खेल तो, देखना भी और खेलना भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि खेल से क्या क्या फायदे होते हैं हमें, है ना, तो हम उसके में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अलोंग विथ एंटरटेनमेंट गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, तो पहला पॉइंट है आपके गेम्स का फायदे का कैसे क्या लाभ होता है। तो इसका मतलब ये मनोरंजन के साथ सुंदर और स्वस्थ बनाते खेल। अलोंग विथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गेम्स मेक अस डिसिप्लिन, इसका मतलब बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ खेल हमें अनुशासन प्रिय बनाते हैं। विथ फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप एंड कॉपरेशन गेम्स डेवलप जिल एंड जॉय, ठीक है, इसका मतलब यह है कि सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह और उमंग जो है उसको बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है? खेल। तो खेल से क्या बढ़ता है, ठीक है, सहचर सहयोग का भाव तो बढ़ता ही है और साथ ही साथ में उत्साह और उमंग भी हमारे
हमारा बढ़ता है. By teaching to struggle, to be confident and win, games make our life beautiful. जीत, विश्वास, संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल. अर्थात खेलने से हमें जीत, विश्वास, संघर्ष, ठीक है, आदि की जो भावना है वह हमारे अंदर उत्पन्न होती है. आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है पेज नंबर 38, ठीक है, ब्रीथ वेरिएशंस, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. जब तक आपको क्या करना है, अभी तक जितना पढ़ाया है उसकी रीडिंग लगानी है, और जितना भी आपको होमवर्क दिया है वो आपकी नोटबुक में करना है. ओके स्टूडेंट्स.